जय श्री राम मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं ऋतिक बघेल स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल बघेल क्लासेस पर। और आज की वीडियो में बात करेंगे सोशल साइंस के कोर्स रिडक्शन की। जी दोस्तों, MPBOARD ने जो कोर्स रिडक्शन किया है वो हिंदी में किया है, जिसके कारण स्टूडेंट्स को काफ़ी परेशानी आ रही है, तो उसको देखते हुए मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। हमारा कोर्स है वो NCERT हो गया है, जिसमें हमारी चार बुक हो गई हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री के कोर्स रिडक्शन की। अब आप आ जाइए कंटेंट्स में जिस जिस चैप्टर से रिडक्शन हुआ है वो मैं बता दूँ। फर्स्ट जो कि हमारा था राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, थर्ड हमारा था मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। सबसे पहले आ जाइए आप पेज नंबर 13 पर, जहाँ की टॉपिक है था एज ऑफ रिवॉल्यूशन, वो आपको नहीं पढ़ना है। पेज नंबर 14 भी आपको नहीं पढ़ना है, पेज नंबर 15 भी आपको नहीं पढ़ना है, पेज नंबर 16 भी आपको नहीं पढ़ना है, पेज नंबर 17 भी आपको नहीं पढ़ना है, और पेज नंबर 18 भी आपको नहीं पढ़ना। हम चलते हैं नेक्स्ट रिडक्शन पार्ट की ओर, जो कि हमारा पेज नंबर 68 से चालू है, द इंटरवॉर इकोनॉमी। 68 पेज भी नहीं पढ़ना है आपको, 69 पेज भी नहीं पढ़ना है आपको, 70 भी नहीं पढ़ना है आपको, 71 भी नहीं पढ़ना है आपको, 72 भी नहीं पढ़ना है आपको, और 73 भी नहीं पढ़ना। ये तो हमारा हिस्ट्री का कोर्स रिडक्शन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट बुक की ओर, जो कि हमारी ज्योग्राफी की कंटेम्प्रेरी इंडिया पार्ट सेकेंड। अब हम चलते हैं कंटेंट्स की ओर। कंटेंट्स में जिस चैप्टर में आपका कोर्स रिडक्शन हो रहा है वो मैं बता दूँ, चैप्टर नंबर 3 वाटर सोर्सेज, चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर, चैप्टर नंबर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, एंड चैप्टर नंबर 7 लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमिक। हम चलते हैं चैप्टर नंबर 3 की ओर, जो कि हमारा वाटर रिसोर्सेज। अब इसमें कोर्स रिडक्शन कहाँ से होना है मैं आपको बता देता हूँ। पेज नंबर 29 पे जो हमारा टॉपिक है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये आपको नहीं पढ़ना है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। पेज नंबर 30 भी आपको नहीं पढ़ना है, पेज नंबर 31 भी आपको नहीं पढ़ना है, पेज नंबर 32 भी आपको नहीं पढ़ना है। हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर के कोर्स रिडक्शन की, जो कि हमारा रिड्यूस हुआ है वो पेज नंबर 42 से चालू है, जहाँ हमारा टॉपिक दिया है टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। पेज नंबर 43 भी आपको नहीं पढ़ना है, पेज नंबर 44 भी आपको नहीं पढ़ना है, पेज नंबर 45 भी आपको नहीं पढ़ना है, एंड पेज नंबर 46 भी नहीं आपको पढ़ना है। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की। इसमें जो कोर्स रिडक्शन हुआ है वो पेज नंबर 71 पे हुआ है, हमारा एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। पेज नंबर 71 भी आपको नहीं पढ़ना है, पेज नंबर 72 भी नहीं पढ़ना है आपको, पेज नंबर 73 भी नहीं पढ़ना है आपको, पेज नंबर 74 भी नहीं पढ़ना है, और 75 में आपको ये पढ़ना है आपको, जो कि आपका ये मैप दिया हुआ है, ये आपके लिए एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, और इसमें जो पोर्शन आपको नहीं पढ़ना है वो मैं आपको बता देता हूँ। पेज नंबर आप आ जाइए 88 पे, जो आपका टॉपिक दिया है इंटरनेशनल ट्रेड, वो नहीं पढ़ना है आपको, और 89 भी आपको नहीं पढ़ना है। ये था आपका ज्योग्राफी का कोर्स रिडक्शन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट बुक की ओर, जो कि हमारी पॉलिटिक्स की डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल्स पार्ट 2। अब इसमें आज आप आ जाइए कंटेंट्स पे, जिस जिस चैप्टर में रिडक्शन होता है मैं आपको बता देता हूँ। चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग, चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म, चैप्टर नंबर 8 चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी। अब हम बात करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग की, और इसमें जो कोर्स रिडक्शन हुआ है वो पेज नंबर 7 से चालू हुआ है, जो कि हमारा खलील्स डिलेमा टॉपिक पर। पेज नंबर 7 आपको नहीं पढ़ना है, पेज नंबर 8 जहाँ की पावर फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग दी है वो भी आपको नहीं पढ़ना है, और पेज नंबर 9 भी आपको नहीं पढ़ना है। हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म की। अब देखते हैं हम इसमें जो कोर्स रिडक्शन हुआ है वो कहाँ से हुआ है। इसमें जो कोर्स रिडक्शन हुआ है वो हमारा पेज नंबर 24 से चालू हुआ है, जो कि हमारा डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। पेज नंबर 24 आपको नहीं पढ़ना है, पेज नंबर 25 आपको नहीं पढ़ना है, और पेज नंबर 26 भी आपको नहीं पढ़ना है। चलते हैं हम चैप्टर नंबर 8 की ओर, जो कि हमारा चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी। इसमें जो रिडक्शन हुआ है वो हमारे पेज नंबर 110 पे हुआ है, रिफॉर्मिंग पॉलिटिक्स, और पेज नंबर 111 रीडिफाइनिंग डेमोक्रेसी। जी हाँ दोस्तों, ये था हमारा पॉलिटिक्स का कोर्स रिडक्शन। अब हम बात करते हैं हमारी लास्ट बुक की, जो कि हमारी इकोनॉमिक्स की, और सबसे पहले आते हैं इसके कंटेंट्स पे। कंटेंट्स में जो हमारे चैप्टर में से रिडक्शन होना है वो हमारे चैप्टर नंबर 4 ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। तो इसमें जो कोर्स रिडक्शन होना है उसके हम डायरेक्ट उस पेज पर चलते हैं। आप पेज नंबर 65 पे आ जाइए, जो हमारा टॉपिक दिया है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको नहीं पढ़ना है। और इसके बाद पेज नंबर 68 पे आप आ जाइए, जहाँ आपका टॉपिक दिया था स्ट्रगल फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। जी हाँ दोस्तों, ये था आपका MPBOARD क्लास 10 सोशल साइंस इंग्लिश मीडियम का कोर्स रिडक्शन। आई होप आपने कोर्स रिडक्शन की मार्किंग कर ली होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे।